क्या तेरी तांगी साढ़े बुजुर्गों तो वही है नहीं मेरा जेन नहीं बनता ये मसला है जो हो खोतिया तेरा जेन है पास है तो जिन्होंने नींद तो तन मन मारिया है जिन्होंने 13 साल की उम्र के अंदर जनाबे वाला मुफ्ती की सनद हासिल की है उस आला हजरत ना तेरी तांगी तेरी ना मिल सकती सुनियो थोड़ी सर की कमजोरी है तो तुम आला हजरत पढ़ते नहीं महसूस तो नहीं करोगे बात अपने इमाम को नहीं पढ़ते पढ़ना की बनती मेरे इमाम जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इश्के मुस्तफा दी आदी इश्के मुस्तफा दी भर भर के प्यालियां भी आईया ने ना जी बल्कि मैं कहना कि नबी पाक सरकार का इश्क साढ़े सीने में घुट घुट के भरिया उन्होंने नाम आ लाजरत जो लोग नबी पाक सरकार के इलम के इतराज करते सन लोग नबी पाक सरकार के खिलाफ बकवास करते सन उदो कोई होर हस्ती नहीं उठी है कि मेरा इमाम उठी जिंदा नाम आला हजरत नबी पाक सरकार से बैठने की बरकत देवे कि पता है कि अली का घर कितने है सदीक का घर कितने उमर का घर कितने वे और यह मतलब है कि इन्हों खितरिया नालों तो सवारी अच्छी दिन मेरे मुस्तफा करीम सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बैठने की बरकत नाल उन्हें यह पता है कि मैं जाना किड़े पासे ते रहना किड़े पासे और मुफस्सरीन किराम लिखते हैं कि अपने ददीना के नाल ही दरवाजा दस्तक दे सहाबा किराम पता चल जाना कि नबी पाक सरकार ने सानू अज याद करवाया आकर इस्लाम ने सानू याद किया है सुनिए पाक ने भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वे वसाले जाहिर ही होया ना तो उस वे सहाबा किराम ने आखिया यफूर नु बुलाओ अपने यार का आखिरी दीदार ते कर दे नबी पाक सरकार का आखिरी दीदार ते कर ले जिस वे दूर पहाड़ी ते चढ़ के सहाबा किराम फरमाते ने कि यफूर ने छलांग ला दी जिन्हों वेख वेख के जीते सामने मेरे उत्ते मुहम्मद अरबी तो बगैर कोई भी बंदा सवारी नहीं कर सकता है जी सवारी नहीं कर सकता और उस नालों ही सवारी चकी और जिन्होंने तन मन नबी पाक सरकार तो वारिया एक दिन मेरे पाक नबी सरकार तशरीफ फरमा सन और मेरे आका अली सलातो वसलाम दे कोल तमाम सहाबा इकराम का जमे गफीर सी जमे कफी तमाम का मेरे आका अली सलात व सलाम की बारगाह के अंदर एक सहाबी जिद नाम हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक गल हुण शुरू हो गई तो ध्यान नाल समाज कर लेना नबी करीम सरवरे कायनात की बारगाह के अंदर बैठे थे बैठिया बैठिया मेरे नबी पाक सरकार के कदम दबाना शुरू किए नबी पाक सरकार के कदम मैन शरीफ हैन दबाना शुरू किया मेरे आका अली सलातो वसलाम ने अपनी जुबान अकदस से इरशाद फरमाया जुलैबी तेरा ब्याह होया अर्ज की या रसूल अल्लाह मैनू कह देनी ना रंग ते ना ढंग ते ना कारोबार ते हर टाइम मैं चबूतरे ते बह के सोनिया तेरा दीदार करता मेरे को ना कारोबार है ना माल है ना दौलत है मैनू कह देनी मेरे नबी पाक सरकार ने फरमाया अल्लाह सोना तेरे वास्ते बेहतर सबब पैदा फरमाएगा बात किया कि नबी पाक सरकार ने अपनी जुबान ने अक्दस से इरशाद फरमाया तब हो गया कुछ दिन गुजरे नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में एक सहाबी हो रहा है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियां की शादी करनी है तो मैं बड़ा परेशान नबी पाक सरकार ने इरशाद फरमाया अल्लाह करीम तेरा बेहतरीन सबब ला दे
कुछ दिन पहले जरेबी भी चले गए, कुछ दिन तो बाद ये भी आने वाले चले गए। आका अली सलाम ने फरमाया जरेबी इन्हां दे घर चला जा, ते जा के मेरा पैगाम दे अपने रिश्ते दे बारे च गल कर। हज़रत जरेबी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सरकार कोल गए ते जाके दस्तक दी दरवाजे एक दफा दरवाजा खड़का है, दूसरी मरतबा और तीसरी मरतबा आप बात तशरीफ लाए। वो जलेबी वो खैर ते आई किवें आए जनाब? मैं आया इस वास्ते हां कि मैनू नबी पाक सरकार ने एक गल करने वास्ते तुहाडे नाल भेजी है। घर वाले कहते ने कुछ नसीबी है साडी कि पैगाम भी नबी पाक का हो, मैसेज भी नबी पाक का हो, नौजवान अजकल ना गुंडा आप देखो भी नौजवान बैठे ने जिन्होंने अपनी अद्धी अद्धी जिंदगी दरसा दे विच गाल लिया, कुरान पाक पढ़ना है, हिफ्ज़ करना है, तर्जमा पढ़ना है, तफसीर पढ़नी है, दसा साल तो बाद इन्होंने आलिम दीन पढ़ना ते जाके फिर कोई भैने जे मुंह नाल गल करे ये मौलवी ने। ते मैं ते अपने उलमा भाई कराम नुआना कि खुदा की कसम इतने मुकाम नहीं है मिलना जो पैगाम जो मुकाम आखरत मिलना नबी पाक सरकार की बारगाह च। हज़रत मुजर्रम गल साइड से निकल गई, मेरे पाक नबी सरकार का पैगाम लेना दरवाजे से खड़ा किने दसे आखिरकार उसकी हिम्मत मारी क्योंकि जिदे पीछे हाथ मुस्तफा का हिम्मत मारी आका अली सलातो वसलाम की बारगाह चल पैगाम दिता है जी पैगाम ये कि नबी पाक सरकार ने तुहाडी बेटी वास्ते एक रिश्ता भेजा है। खुशबख्त के रिश्ता भेजने वाला कौन है? सुभान अल्लाह, मुस्तफा करीम की जात रिश्ता भेजने वाले। जलेबी फटाफट दस ना कौन है? जलेबी अपना कारण किवें करवाई? ये रात भी गुजर गई ते पैर भी शामी, आज दो दिन तो लगातार इस गल की लड़ाई भी होती है कि रिश्ता देना कि नहीं देना, रिश्ता देना कि नहीं देना। अम्मी बोल के होर लफ्ज आती है, तुसी बोल के होर लफ्ज आते हो। ए अम्मी जी रिश्ता कोई चौधरी करवाए, दादा कराए, परदादा कराए, कितनी खुश नसीब लड़कियां होंदियां ने जिहड़ियां अपने जाके ससुराल गल करदियां ने, ए मेरे ससुराल वाले हो मेरा रिश्ता मेरे दादे ने करवाया, मेरा रिश्ता मेरे अबे ने करवाया, मेरा रिश्ता जनाब पिंड दे चौधरी ने करवाया, मेरा रिश्ता मेरे मुसलमान भाई फलाने पिंड दे अंबी ने कराया। खुश नसीब मेरी जान है, कितनी खुश नसीब मेरी जात है कि मेरा रिश्ता आमीना दे लाल ने करवाया। जिदा रिश्ता मदीने वाली सरकार करवाण, वो रिश्ता गाटे का नहीं होता। गल है हजार के मुद्रम शादी हो गई, रिश्ते करवाण वाले जो पैसे लैके तो जाते ने ना तो पता की जाके कहने दस भाई तेरा तेरे नाम प्लाट किए, तेरे नाम कोठियां कितनियां ने। एक बंदा तो वह भी सिलसिला बने उस अगर कहते विह नहीं होना तो दूजे तरीके का नहीं कर देगा। गुरिश्ता ग्राण वाला फसिया तो उस आके आ जाओ जनाब मेरा बड़ा माल है दौलत है। बंदा वह एक बेली आ चौधरी उस आगे तू दो त्रै दिन वास्ते लाहौर चले जा ठीक है, तो मैं तेरी जगह पर बही ना चौधरी बन गया। रिश्ता वेखन वाले भी आ गए, रिश्ता भी हो गया, उन्होंने कहा यार मेरिया जमीन ने क्या मेरे बैंक बैलेंस से कार कोठियां तो सारा कुछ जो निकाह पड़ी गया कबूल है बोल जी कबूल है कबूल है कबूल है कबूल हो गया ना जी। तो उस आगे जनाब मेरे करमा लिए दो मरले का मेरा मकान नहीं उस आगे मेरे नाल की कीमत ही ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ।
झूठ बोलने थे। सच्ची बात ये है कि बच्चा मेहनत करता हो बेटी का रिश्ता और घर कर देना चाहिए। मेहनत करता हो दो टाइम की रोटी कमाता हो ईमान लियाओ जिम्मे पहले ने ईमान लिया। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਫੀਸ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੋਬ ਰਹੇ
ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵੇ ਨਾ ਚੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਚ ਬੋਕਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸ਼ੋਭੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇੰਜ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਅਜ਼ਰਾ ਦੇ ਮੋਤਰਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੇ ਕਬੂਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਦੇ ਕਬੂਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਦਮਿਸ਼ਕ ਆਫਤ ਇਬਨ ਅਸਾਕਰ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਨੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖੇ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਹਤਰਮ ਦਿੱਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਨਾਲ ਸੈਯਦਨਾ ਸਦੀਕੀ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਦੋਵੇਂ ਯਾਰ ਔਰ ਹੈ ਗਾਰ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਯਾਰ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਬਾਹਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰੇਵੜ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਦੀਕ ਐ ਸਦੀਕ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਸ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨੋਸ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕ ਨਬੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਐ ਗੁਲਾਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਆਈ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਲੋਰਸ ਕੋ ਇਹ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਵਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਫਤਗੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਬਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੇਦੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਪਸੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਬੱਕਰੀ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ, ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਤਰਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਾਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਰ ਬੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਚੰਨ ਚੜਿਆ बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया। बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया है हजरत मोहतरम, और बकरी ने भी दूध दिता है। अबू बकर सदीक पाक सरकार ने भी पीता, नबी पाक सरकार ने भी पीता, तमाम अबाब ने दूध को नोश फरमाया, दूध भूखा नहीं, दूध भूखा नहीं। और आज खुदा की कसम खा के ना फैज लैन वास्ते, वो फैज नबी पाक सरकार ने किया, फैज लैन वास्ते जेब भी भरे हुए आना बड़ा जरूरी है। जिदी जेब चंकी फुल ले, चंकी फुल ले तो पीर ने तकरीर च भी ना वह मुड़ मुड़ लेना है। इस तो सुभान अल्लाह के इस बंदे ने साढ़े नाल चंगा तावल किया है, ये चंकी कणक दियां बोरियां लद के लिया है। हजरत मोहतरम ये इशलास पता हर जुमे अलहमदुलिल्लाह सिलसिला चलता है, और जिदा बोझा ज्यादा फुल उन्होंने फैस ए नॉन स्टॉप गैर वसीले तो फैस आ रही होगा, वो पता नहीं फैस होना है फूल होना है। ठीक है जी, असल फैस है जग के पीर को छड़ दिता तुसा जी। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम एक जुमला तुम जगाने वास्ते अर्ज करन लगा, हजरत मोहतरम यही नहीं कि जी जेब ज्यादा फुल हो गए बगैर
जिस वे अबू बकर सिद्दीक पाक सरकार दा घर सी ते नबी पाक सरकार गए कि जिद्दत दी रात दी गल करदे आ ठीक है जी दरवाजा खोलिया बल्कि कुछ उलमाए इकराम लिखते ने कि दरवाजा पहले खुला सी दरवाजा पहले खुला सी नबी पाक सरकार ने फरमाया सिद्दीक सुता नहीं सुता नहीं अर्ज की यार सुला मैं तो उदों तक नहीं सुता जिन्होंने तुसा फरमाया जी कि थोड़े दोवों विच मैनूं इक दी लोड़ पैणी ते मैं देना जदों नबी पाक सरकार सरवर ए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आंदे यार सुला मैं उदों तक ही ते सुना लाए कि नबी पाक सरकार कदों मेरे घर तशरीफ ले आवे क्यों जी नबी पाक सरकार उन्हें कहे मैं सदा लाने इस सदा का एक आशिक ने तर्जमा किया है सुना दिए अजीजा ने गिराने का दर शहर तर्जमा नहीं करता उस अकेले खुशगबरी तक लग गई जाने कोई नहीं जा
तुम क्या ये खुशखबरी मिल गई कि तो जानने में कोई नहीं जानने का मिल गई। मैंने कहा जनाब नहीं, फिर ये खुशखबरी मिल गई अजाब में नाम तो बच गए उसके। नहीं आपने फरमाया फिर हंसना कैसा, फिर मुस्कुराना कैसा। बुजुर्ग उम्र के बंदे उसे बैठ के पत्ते ते पत्ता ताश ते ताश खेलते होंगे, आवे आए या प्राण आए, इन्हें बुजुर्गों को कौन जाके समझाएगा कि ये उम्र कबरे जान दी कबरा। इब्न उमैर ने दाढ़ी रख लिया चंगील अपने करना साड़ा फर्ज है और तुहाड़े कोलों पैसे बटोरने भी होंगे ने, वो भी तरीका आम है। लेकिन ये कि मैं ना कोई तुहाड़े पले पले कोई साढ़े पले पले कोई जुम्मे वाले दिन का कोई टाइम जरा चंगा है कोई ओदा कि तरीके ना कोई साड़ा मरहला निकल जाए। मेरा दिल सी आई मैं दूर का मिलाद पढ़ता है लेकिन क्योंकि मिलाद वास्ते तैयारी कर लो अगले जुम्मे जिंदगी रही तो फिर अगले जुम्मे। लेकिन मिलाद में ता पढ़ना है तो मिलाद वाले आकर की गल भी मननी है। सिर्फ इस साल पिछले दिन आ जाए तो झंडे लैके बाहर निकल आओ, बस इन्हीं गल नहीं। हर रोज मिलाद मनाओ, नमाज पढ़ के मिलाद मनाओ, जिक्र करके मिलाद मनाओ, ये है मिलाद। हजरत मोहतरम बुजुर्ग एक राजी कही ना अब्दुल हकीम स्टाफ आंदा है, मेरी ये आखिरी बात अब्दुल हकीम स्टाफ आंदा है उत्थे बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला ले आप रंग का कारोबार करते सन, रंग का कारोबार करते सन, रंग का रंग करना दिने दिने लोगों के कपड़े रंग करने रात बह के अपने आप ही रंग करो जी दिने रंग करना है लोगों के कपड़े और रात को सौन लगो पहले मसले से बह के अपना आप रंग करवा औरत आई और ना के जनाब है गंढे कपड़े दी ते तू सा रंग कर रहे इन फलाना रंग इन फलाना रंग इन फलाना रंग तवज्जो है दी इन फलाना रंग फलाना रंग उन्होंने जी ठीक है उधर गई तो अगले दिन बाबे का पिछा के कोठा टेक पिया ते बाबा गारा बना के ते उस कोट से दिन की तमीज शुरू कर दी थी ये याद ना रहा कि गगड़ी का भी आर्डर लिया से कुछ दिन बाद औरत आ गई उन्हें के जनाब क्या ले बाबा जी मेरे कपड़े मैं कह दिए कपड़े मजबूत दे पर मेरा कोठा गिर गया मेरे दिल च नहीं गया तेरा काम तो मैं लिया इधर लगा तो मैं तेरा काम भूल गया बड़ी इबादत ना उन्हें कहीं इबादत नहीं मैंने कपड़े रंग हुए चाहिए मैं कपड़े रंग हुए चाहिए जी बंदे कपड़े रंग करवाण आते हैं मेरे को मैनू लेट बड़ी हो गई है तो अल्लाह करीम की बारगाह चो आवाज आई कि ए जनाब रंग साज कपड़े रंग करने वाले अगे जो तू कपड़े रंग करता से ना हूँ बंदे भी रंग कर दे अजय गल समझ नहीं आनी जो मैं गल खोलना फिर तुम ज्यादा समझ आएगी जिस टाइम एक गल होने तो बाद बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तशरीफ लै गए अपने मसनद से तबीबी भी आ गई बाबा अज दे कपड़े तो सख्या अज भी कोई ना जाए तो मैं लै भी जाने बुजुर्ग चला दे चाह गए तो गल याद थी कि हूं चाहे तो भावें
बंदे भी बोलो तुम कपड़े भी बंदे भी रंग नहीं पीर असर जिस वेले तशरीफ लेना बुजुर्ग अल्लाह अकबर के बीराना जब पीए कपड़े गाने खोल गाने खोले इन पे रंग करना है फलान रंग करना है नबी पाक के दुरूद पाक ने पढ़िया सुभान अल्लाह नीला रंग पीला रंग जेड़ा भी रंग सुभान अल्लाह नीला रंग मियां साहब फरमाते हैं कच्चा रंग ललारी रंग तेन और भी चाहिए जी बिल्कुल चाहिए रंग मेरे बच्चे काफरां दी औरत आई ते नबी पाक सरकार दे गुलाम ने दुआ फरमाई उन्होंने भी रंग चढ़ गया उन्होंने भी रंग चढ़ गया हजरत मौलाना दीनी बरात उन्होंने की सारी फैमिली आपने फरमाया कि इस बरात ने मेरे दरवाजे तो कटी बरात बाबा कच्ची कुली च बैठा है ते जनाब दी उस जगह ते उच्ची उच्ची आवाज में लोग उन्हां दा एक वसीफा राम राम करदे वो करदे आ रहे ने ते बुजुर्गां ने फरमाया कि बीबी विच बरात सोचदी पई है कि हजे तक रंग नहीं असर कीता अजे कलर नहीं चढ़िया फिर जनाबे वाला जिस वेले नबी पाक सरकार दी आशिक ने अपनी अखां दी कुली तो इंज करके गए कहना ते सारे आखन अल्लाह 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 हिंदुओं की बरात हो गई अल्लाह का जिक्र हो गया हिंदुओं की बरात अल्लाह का जिक्र शुरू हो गया हिंदुओं की बरात अल्लाह का जिक्र शुरू हो गया एक बंदा दूजे को आके तू किया हो सके तू पहले शुरू किया हो सके तू पहले शुरू किया आखिरकार उन्होंने कहा यार माने जाओ असर सारे जिक्र किया मेरे मुसलमान भाई अल्लाह पाक की बारगाह में शुरुआत है कि अल्लाह पाक समझ दीनी मदीनी समझ अता फरमाए वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह।